ईडी का नाम तो आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा, पर ये ईडी है क्या, कौन है इसके पीछे और ये सब जगह छापे क्यों मारता रहता है, इसका काम क्या है और कितना पावरफुल है ये ईडी? ईडी का नाम डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, या इसे सही से कहें तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट। ये एक फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में की गई थी। तो अब इसका काम क्या है? तो ये फाइनेंस से जुड़ी हुई गतिविधियों पे नजर रखती है, जैसे आय से ज़्यादा संपत्ति हो, या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस हो, या विदेश में कोई संपत्ति खरीदी गई हो, इल्लीगल तरीके से फॉरेन में कोई मनी ट्रांसफ़र किया गया हो, या फॉरेन करेंसी में कुछ ट्रेड किया गया हो, जैसे करप्शन का कोई मामला आता है तो उसमें पैसे और संपत्ति को लेकर जो जाँच होती है वो ईडी करती है। बेसिकली पैसे से रिलेटेड कोई भी गड़बड़ी हो उसकी जाँच ईडी के पास जाती है। तो बात यह आती है कि ईडी कितनी पावरफुल है और ईडी के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो किसी भी जांच के संबंध में ईडी कोर्ट नोटिस भेज सकती है, उसे किसी से भी आय और उसकी संपत्ति के बारे में पूछताछ करने का पूरा अधिकार है। ईडी जितनी बार चाहे जांच के लिए उस व्यक्ति को बुला सकती है, और गलत इन्फॉर्मेशन देने या ईडी का सपोर्ट ना करने पे ईडी कार्रवाई भी कर सकती है। आय से अधिक संपत्ति होने पे ईडी उस संपत्ति को जब्त कर सकती है। किसी भी तरीके की अवैध संपत्ति को रिकवर करने का अधिकार भी ईडी के पास है। कोई भी फाइनेंशियल लेनदेन अगर कानूनी तरीके से नहीं किया गया है तो ईडी उसके ऊपर जांच बैठा सकती है। तो बात है मुद्दे पे, हमारे देश में ईडी पे इतना बवाल क्यों होता है? तो बात यह है कि ईडी आती है केंद्र सरकार के अंदर, और अपोजिशन का यह आरोप रहता है कि केंद्र सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। जानबूझ के ईडी द्वारा अपोजिशन पे जांच कराई जाती है और उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। लेकिन बात यह भी है कि ईडी जहां पे रेड करती है या जिन मामलों में जांच करती है, अगर वहां पे आय से ज़्यादा संपत्ति मिले या अवैध तरीके से रखा हुआ कैश या ज्वेलरी या किसी तरीके की प्रॉपर्टी या उसके कागजात मिले, तो ये चीज़ गलत कैसे हुई? चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम मौजूदा सरकार के ये 8 साल और इसके पहले मनमोहन सरकार के 10 सालों के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि ईडी ने क्या काम किया और क्या नतीजे उसके आए। तो यहाँ करंट सरकार का मतलब मोदी सरकार के ये 8 सालों का कार्यकाल है, और पिछली सरकार का मतलब है मनमोहन सरकार के 10 सालों का कार्यकाल। तो ईडी ने कुल कितनी रेड मारी? पिछली सरकार के कार्यकाल में 114 रेड मारी गई, और इस सरकार के कार्यकाल में 3010 रेड मारी गई। तो बातें कि कितने केसेस दर्ज हुए हैं, तो पिछली सरकार के कार्यकाल में 8586 केस दर्ज हुए थे, और मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 22320 केस दर्ज हुए, जो पिछली सरकार के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है। अब आते हैं कि ईडी ने कितनी संपत्ति जब्त की। तो पिछली सरकार के कार्यकाल में करीब 5346 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी, और मौजूदा सरकार के कार्यकाल में करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। तो ये आंकड़े सुन के तो लग रहा है कि ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अब आ जाते हैं कि ये जो केसेस चले इनमें कितने लोगों को सजा हुई। तो पिछली सरकार के कार्यकाल में एक भी इंसान को सजा नहीं हुई। जी हाँ, कोई भी गिल्टी नहीं पाया गया, किसी को भी सजा नहीं हुई, और इस मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 23 लोगों को सजा हुई है। तो अब ये आप ही डिसाइड करें कि ईडी का मिसयूज़ हो रहा है या प्रॉपर यूज़ हो रहा है। वैसे अगर मान भी लिए मिसयूज़ हो रहा है, तो मिसयूज़ तो ज़्यादा ही अच्छा नहीं है कि करप्ट लोग पकड़े जा रहे हैं, करप्शन किया हुआ पैसा रिकवर किया जा रहा है, लोगों को जेल हो रही है। और अगर सरकार अपोजिशन के ऊपर ये कर रही है, तो जब अपोजिशन गवर्नमेंट में आए तो इस सरकार के ऊपर कर दे, तो देश का भला तो हो ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोपाय। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।